Good morning, my little children. How are you? I hope you are fine and I am so fine. Today, I am going to read you EVS. EVS, in what matter? World. Chapter number 4, My Family. Sabko pata hai na? My means mera, family means parivar. Mera parivar. Now, so we start chapter number 4. We all live in a family. So children, हम सब लोग एक परिवार में रहते हैं. We all live in a family. हम सभी लोग एक परिवार में रहते हैं. A family can be big or small. परिवार छोटा भी होता है या बड़ा भी हो सकता है. दोनों प्रकार के होते हैं. Dia lives in a big family. Dia जो है एक बहुत बड़े परिवार में रहती है. She lives with her parents. Younger brother, grandparents, uncle, auntie and cousin. उसके साथ में उसके माता पिता, उसके बड़े भाई, उसके दादी बाबा, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, चाचा चाची एंड कजिन, उसके चचेरे भाई बहन, ये सब लोग एक साथ रहते हैं. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बिग फैमिली बोलते हैं. रीना लिव्स इन अ स्मॉल फैमिली. रीना जो है वो एक छोटे परिवार में रहती है. शी लिव्स विद हर पेरेंट्स एंड ब्रदर. उसके साथ उसके मम्मी पापा और उसका काफी तेजी
और एक फिर भालू जो है चला गया। श्याम नाउ गॉट गन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क्ड राम। श्याम जो पेड़ से नीचे उतरा उसने राम से क्या पूछा, राम से पूछा डियर फ्रेंड्स टेल मी व्हाट इज द बियर टेल यू व्हाइल यू वर ब्लाइंड, डिड इट टेल यू सम सीक्रेट। फिर राम से क्या पूछा, प्रिय मित्र मुझे बताओ झूठ बोलते समय भालू ने आपको क्या बताया, मतलब वो कह रहा था श्याम कि राम मुझे सच बताओ भालू तुम्हें ऐसे अकेला छोड़कर चला गया, कुछ किया नहीं और वो फूंक करके चला गया था, ये क्या सीक्रेट है। राम रिप्लाई, राम ने उत्तर दिया, यस इट टोल्ड मी दैट नॉट ट्रस्ट फ्रेंड्स हु लीव यू बट देयर इज अ डेंजर। क्या भालू ने तुम्हें कुछ रहस्य बताया क्या। फिर राम ने उत्तर दिया हाँ, राम ने क्या उत्तर दिया हाँ, इसने यानी कि भालू ने मुझसे कहा कि उन दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो जो तुम्हें छोड़ कर चले जाते हैं। अ फ्रेंड इन नीड अ फ्रेंड इन डेड अ फ्रेंड